घरे रखंतु भगवान शिवंक त्रिशूल एवं डम्बुरु दूर हेबो नकारात्मक शक्ति। त्रिकालदर्शी महादेव समस्त देवादेवी मध्यरे सबुठारु शक्तिशाली देवता। शिव पुराण अनुसारे भगवान शिव निज शरीर रे अनेक जिनिष धारण करिथांती, जेपरि बेकरे सर्प, मस्तकरे चंद्र, जटारे गंगा, हातरे त्रिशूल और डम्बुरु धारण करिछंती। किंतु आपण जानिछंती कि भगवान शिव एसबु जिनिषकु धारण करिबा पछरे मध्ये कारण रहिछि। तेबे आसंतु जानिबा भोलानाथ सबुबेले धारण करुथिबा त्रिशूल और डम्बुरुर महत्व एवं लाभ संपर्करे मान्यता रहिछि। जे सृष्टि आरंभ बेले जेतेबेले विद्या और संगीतर देवी सरस्वतींकर आविर्भाव होइतिला, सेतेबेले तांको वीणार ध्वनिरे श्रुति मधुर नथिला। शास्त्र मुताबक भगवान शिव 14 थर डम्बुरु बजाई तांडव नृत्य करिबारु संगीत सृष्टि हेला, सेबेठारु ही संगीतर सृष्टिकर्ता बोली कुहाजाए। तेबे आसंतु जानिबा घरे डम्बुरु और त्रिशूल रखिबा द्वारा कौन लाभ होइथाय। घरे डम्बुरु रखिबार लाभ, घरे डम्बुरु बजाई शिवस्तुति पाठ कले केबे भी कौनसी अमंगल होइनथाय। एहार ध्वनि घरु नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करि सकारात्मक ऊर्जा संचार करे। मान्यता रहिछि जे पिलांक रूम रे डम्बुरु रखिले कौनसी प्रकार नकारात्मक प्रभाव पड़िनथाय। कुहाजाए डम्बुरुर बहुत चमत्कारी मंत्रर उच्चारण होइथाय, एहार ध्वनिरु रोग सह लड़िबाकु मध्य शक्ति मिलिथाय। त्रिशूल रखिबार लाभ, त्रिशूल को सत्व, रज और तम गुणर प्रतीक कहुए। नटराज शिवंक त्रिशूल आगे सृष्टि किंबा शक्तिर कौन अस्तित्व नहीं। एही कारणरु घरे भगवान शिवंक प्रिय त्रिशूल रखिबा द्वारा सबु प्रकार खराब शक्ति दूर होइथाय। ब्युरो रिपोर्ट, NS ओडिया।